न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से जो कि भोपाल से मिल रही है, जहां पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी का ट्वीट सामने आया है, जहां उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आरक्षण के लिए समिति बनाने का सुझाव दिया गया है, समिति की सिफारिशों को मान्य करने की बात कही है। तो आरक्षण को लेकर लगातार यहां पर बयानबाजी या ट्विटर वॉर भी शुरू हो चुके हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो उसके बाद अब पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी का भी ट्वीट आया, आरक्षण के लिए समिति बनाने का सुझाव यहां दिया गया है, समिति की सिफारिशों को मान्य करने की बात पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने कही है। तो भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी का ट्वीट, आरक्षण के लिए समिति बनाने का सुझाव दिया गया है, समिति की सिफारिशों को मान्य करने की बात की गई है। और ये ट्वीट दिखा रहे हैं कप्तान सिंह सोलंकी का, जिस तरह से जीवन रक्षा सर्वोपरि है उसी तरह राष्ट्र एकात्मक समरसता जिक्र सौहार्द होना चाहिए, अतः आरक्षण के लिए संविधान सभा की तर्ज पर समिति बनाकर उसकी सिफारिशों को संसद से मान्य किया जाना चाहिए। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दीपेश जैन जुड़ गए हैं। दीपेश, पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी का ट्वीट और उन्होंने समिति बनाने की बात की, हालांकि शिवराज सरकार पहले ही समिति के बारे में बात कर चुकी है। बिल्कुल, देखिए ऋतु, पिछले कुछ समय से इस मुद्दे पर बहुत सक्रिय हैं पूर्व राज्यपाल और मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता रहे हैं कप्तान सिंह सोलंकी, और अब चूंकि वो सक्रिय राजनीति में भी नहीं है और उनके पास कोई संवैधानिक जिम्मेदारी भी नहीं है, तो ऐसे में वो आरक्षण के मुद्दे को उठाना चाहते हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने ट्वीट किया था इसी तरफ इशारा करते थे और तब उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने देखिए सीधे तो नहीं कहा कि आरक्षण खत्म करना चाहिए या कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए या आरक्षण को लेकर उनकी क्या सोच है। तो एक तरफ बीजेपी और संघ जहां आरक्षण के पक्ष में नजर आ रहा है ऋतु, और प्रबल समर्थक माना जा रहा है, जिस तरह दत्तात्रेय होसबोले ने भी कहा कि आरक्षण लागू होना ही चाहिए संघ के सर कार्यवाह हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी भी मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, जिस तरह से कल मीटिंग में भी ओबीसी को आरक्षण दिलाने। लेकिन इस बीच में कप्तान सिंह सोलंकी एक नई लाइन अपनी खींच रहे हैं और उनका यह कहना है कि जिस तरह राष्ट्र में सुरक्षा सर्वोपरि होती है उसी तरह एकात्मकता और जो सौहार्द, यानी वो कह रहे हैं कि आरक्षण की वजह से किसी तरह के मनमुटाव या क्लेश या तनाव या इस तरह के हालात देश में पैदा नहीं होना चाहिए, यानी वो खुलकर कुछ नहीं कह रहे। लेकिन उन्होंने ये जो बीच का रास्ता निकालने की बात है कि संसदीय समिति बना दी जाए या संसद की समिति तय करे कि आरक्षण का क्या होना चाहिए, अगर समिति को लगे बड़ा, यानी जो उनके भाव है या जो उनका मंतव्य है वो कह रहे हैं कि आरक्षण पर फिर से चर्चा होनी चाहिए, फिर से पुनर्विचार होना चाहिए और समिति तय करे कि अब आरक्षण का क्या किया जाए, आरक्षण का स्वरूप क्या हो, किसको मिले किसको नहीं मिले, कम हो ज्यादा हो, कोई समय सीमा निर्धारित हो, कोई क्रीमी लेयर की बात हो। तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कप्तान सिंह सोलंकी, लेकिन अब देखना ये कि क्या संघ या पीएम नरेंद्र मोदी या कोई और उनके ट्वीट को उतना महत्व देता है, क्योंकि आरक्षण ऐसा मुद्दा हो गया है तो जिस पर कोई बात करने से भी बचना चाहता है, उस पर अपना विचार या फैसला देना तो बहुत दूर की बात है, कोई बात करने से भी बचना चाहता है, और इसीलिए कप्तान सिंह सोलंकी की स्वतंत्र इकाई है अभी और वो अपनी बात इस ट्वीट के माध्यम से रख रहे हैं। लेकिन क्या ये बात आगे बढ़ेगी, क्या दिल्ली तक पहुंचेगी, क्या वाकई ऐसा कुछ होगा कि आरक्षण पर सोचे कोई या पुनर्विचार की बात करे, लेकिन जो राजनीतिक हालात है और आरक्षण की जो लत है ऋतु, उसके उन हालातों को देखकर लगता नहीं कि कोई इस बारे में जरा भी सोचेगा। लेकिन हाँ, कप्तान सिंह सोलंकी अपनी लाइन खींच रहे हैं, एक नया सुझाव वो दे रहे हैं, देखना है कि क्या वो इस बात को आगे बढ़ाते रहते हैं, क्या ट्वीट के जरिए वो आगे और भी अपनी बात करेंगे या फिर इस ट्वीट के बाद क्या रिएक्शन होते हैं, देखने वाली बात है। बिल्कुल दीपेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। तो भोपाल से ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी का, जहां आरक्षण के लिए समिति बनाने का सुझाव उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि आरक्षण की वजह से कई तरह की जो यहां पर समरसता एकात्मकता है वो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहां पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पूर्व राज्यपाल का जो ये ट्वीट है आगे दिल्ली में ये कोई संदेश देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और आगे किस तरह से अब यहां पर अंतिम फैसला होगा आरक्षण को लेकर वो देखने वाली बात हो गई। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का, जहां मीडिया से रूबरू हो